Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। गुजरात के दंगल में आपको कई कारनामे देखने को मिले, लेकिन गुजरात में सब कुछ हो गया है। विजय रूपाणी की सत्ता स्थापित हो गई है, बीजेपी की ने कहीं ना कहीं सत्ता स्थापित कर ली है। और अब देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बीजेपी ने गुजरात में राज्यपाल से मिलने का वादा कर लिया है और वो अपना बहुमत साबित करने के लिए भी जाने वाले हैं। लेकिन गुजरात चुनाव में एक जो चीज देखने को मिली वो सबसे स्ट्रांग थी कि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे षड्यंत्र देखे, धर्म के मुद्दों पर बात देखी, लेकिन सोशल मीडिया पर बात चल रही थी जिस तरीके से, लेकिन एक जो चीज है यह एक ऐसा शख्स जिसको आपने गुजरात चुनाव में नहीं देखा, आपने 2014 में देखा उसको, यूपी के चुनाव में भी उसकी चर्चा हुई, लेकिन गुजरात चुनाव में आखिर वो इंसान गया कहाँ? जी, मैं नाम ले रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर, जो मोदी को जिन्होंने कहा जाता है कि अगर 2014 में सबसे रणनीतिकार के रूप में, अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, रणनीतिकार के रूप में रहा, तो वो प्रशांत किशोर थे। और प्रशांत किशोर ने ही कहीं ना कहीं 2014 में एक ब्रांड के रूप में निकल के आए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थामा। नीतीश कुमार के जो जिस तरीके से उन्होंने विजय दिलवाई भले ही गठबंधन सरकार आई बिहार में, लेकिन उनका ही श्रेय माना जाता था। लेकिन इसके बाद जब यूपी में जब उनका साथ मांगा गया और उन्होंने, जैसे यूपी को ये साथ पसंद है, इस तरीके के उन्होंने वाक्यों का यूज किया यूपी चुनाव के दौरान, लेकिन इसके बाद जब यूपी हार गए, जब यूपी कांग्रेस सरकार और सपा हार गई, तो सारा ठीकरा प्रशांत किशोर पर फोड़ दिया गया कि कहीं ना कहीं ये रणनीतिकार कहीं ना कहीं असफल हो गया था यूपी चुनाव में। इसके बाद में अगर देखा जाए तो पंजाब में कांग्रेस जीती तो है, लेकिन कांग्रेस के उसमें, वहाँ अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, लेकिन अमरिंदर सिंह के राज में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एक नहीं चली। उनके जो कार्यकर्ताओं को वो जिस तरीके से रणनीति बनाते थे और संदेश देते थे कि किस तरीके से काम करना है, और वहाँ जो नेता थे स्थानीय, वो प्रशांत किशोर की एक भी बात नहीं मानते थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की वजह से प्रशांत किशोर का करियर खत्म हो गया और वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह कहा जाता है कि अगर लोगों की माने तो लोग यही कहते हैं कि प्रशांत किशोर का अगर करियर खत्म किया है, अगर उनको पूरा उनका करियर पूरा नाश कर दिया है, तो राहुल गांधी, क्योंकि यूपी में जीत की ना जीतने की सबसे बड़ी वजह रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर को माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप विजयी होते हो, जब आप सफलता की बुलंदियों को छूते हो, तो आपके साथ सब खड़े होते हैं, लेकिन जब आप असफल हो जाते हो तो आपके सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, और यही प्रशांत किशोर के साथ हुआ है। कहा जाता है कि इस समय प्रशांत किशोर जगमोहन रेड्डी हैं, उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन गुजरात चुनाव में उन्हें नहीं देखा गया है। क्या वजह रही होगी कि राहुल गांधी को शायद प्रशांत किशोर का जो यूपी में जो इस तरीके का उन्होंने रणनीति अपनाई थी, क्योंकि रणनीति कार्य में अगर चुनावी के प्राइवेट सेक्टर के रणनीति कार्य में जाएंगे तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से 2014 में मोदी ने उनको डेब्यू कराया था राजनीति में एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने ब्रांडिंग की मोदी और तरह तरह के सबका साथ सबका विकास इस तरीके के वाक्य यूज किए सोशल मीडिया पूरी तरीके से, जिस तरीके के उन्होंने जो 2014 में मोदी नाम की ब्रांडिंग की, और उस ब्रांडिंग में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बीजेपी की सरकार, और तभी से वो एकदम से चमक गए थे। लेकिन नीतीश का, और शायद यही वजह रही थी कि प्रशांत किशोर को इतना अभिमान हो गया था कि जिस तरीके से उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल रणनीतिकार, चुनाव के एक रणनीतिकार के रूप में एक बहुत बड़ा अहम योगदान दिया था, और उनको इसी बात का अहम हो गया, और अहम होने के साथ साथ
उनको यही लगने लगा कि अब मेरा कोई तोड़ नहीं है, और फिर वो नीतीश का बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश का साथ पकड़ लिए। और फिर इसके बाद में अगर बात की जाए राहुल गांधी और सपा के जो सुप्रीमो हैं, अखिलेश यादव का साथ दिया और कई तरीके की रणनीति अपनाई, लेकिन यूपी के अंदर उनका ये जो एक ब्रांडिंग था, एक जो उनका जज्बा था, वो काम नहीं आया, उनका टैलेंट काम नहीं आया। और उसी की वजह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको गर्दिश में लाने वाले राहुल गांधी हैं, और वहीं से राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का काम समझ में नहीं आया, इसलिए हो सकता है कि गुजरात में उन्हें नहीं देखा गया है। आइए देखते हैं हमारी ये अगर आखिर मैं आपको बता दूँ, रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर क्या चीज़ें रही हैं, किस तरीके से प्रशांत किशोर निकल के आए थे एक डेब्यू के रूप में, एक ब्रांड के रूप में निकल के आए थे, कैसे आए और क्यों और कहां कहां उन्होंने इस तरीके का चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों का साथ दिया, और किन किन से उनका राहुल गांधी, नीतीश कुमार और इन लोगों से कैसे गठजोड़ रहा, ये सारी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 2014 के आम चुनाव में देश की सियासी पलक पर नरेंद्र मोदी का आभार एक और नई सियासी तस्वीर लेकर आया। मोदी की जीत, ब्रांडिंग और सबको चौंकाने वाले चुनावी अभियान के लिए चुनावी रणनीतिकार को श्रेय दिया गया। इसके बाद भारत की राजनीति में चुनाव कैंपेनिंग एक वास्तविकता बन गई और प्रशांत किशोर इस क्षेत्र में एक बड़े ब्रांड। ये कहानी फिर बिहार में नीतीश की जीत, यूपी में राहुल अखिलेश की जुगलबंदी और फिर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की जीत के मौके पर भी देखी गई। लेकिन इस बार के हाई वोल्टेज गुजरात चुनाव में ये माहिर रणनीतिकार सीन से एकदम गायब रहा। आखिर कारण क्या है? क्या राजनीतिक दलों में चुनावी रणनीतिकार को मौका दिए के बजाय पार्टी के रणनीतिकार पर ही भरोसा करना ज्यादा बेहतर समझा? आपको बता दें कि मोदी ने प्रशांत किशोर को ही लॉन्च किया था। देश की सियासत में प्राइवेट चुनावी राजनीति का सबसे पहले इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था। बीजेपी ने 2013 में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाई। इसके बाद मोदी ने सियासी बाजी जीतने के प्राइवेट चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को हायर किया था। देश में ये पहली बार था कि कोई पार्टी अपने रणनीतिकार के बजाय प्राइवेट रणनीतिकार पर ज़्यादा भरोसा कर रही थी। प्रशांत किशोर ने मोदी की चुनावी रैली से लेकर नारे गढ़ने से लेकर मोदी की छवि को बेहतर तरीके से पेश करने का काम किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी देश की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके बाद जैसे चुनावी रणनीतिकारों को साथ लाने का चलन ही चल पड़ा। नीतीश राहुल ने अपनाया फार्मूला। मोदी के इस फार्मूले को बिहार में नीतीश कुमार ने सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर को मोदी से तोड़कर अपने साथ मिला लिया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए बिहार में चुनावी प्रचार का जिम्मा संभाला और सत्ता में उनकी वापसी कराई। इसके बाद प्रशांत किशोर के हुनर और रणनीति के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मुरीद हो गए। राहुल ने यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव का जिम्मा दिया। सपा की गठबंधन यूपी को ये साथ पसंद है जैसे नारे और अभियान प्रशांत किशोर के आइडिया का हिस्सा था, लेकिन यूपी में कामयाबी नहीं दिला सकी। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी सामने आई। हालांकि पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने में वे कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से प्रशांत किशोर मीडिया के पटल से अचानक गायब हो गए। यूपी में कांग्रेस की शिकस्त के राहुल के सर से प्रशांत किशोर के चढ़े भूत को लगता है उतर गया। इसलिए गुजरात के अहम चुनाव में राहुल ने प्रशांत किशोर के बजाय पार्टी के रणनीतिकारों पर ज्यादा भरोसा जताया। इसी के मद्देनजर राहुल ने गुजरात अशोक गहलोत को पार्टी का प्रभारी बनाया। गहलोत ने गुजरात में सियासी समीकरण बिछाए और रणनीति बनाई। 6 महीने गुजरात में रहकर उन्होंने पार्टी को 2 गुनी सीटें दिलाने में कामयाब हासिल की। कांग्रेस गुजरात की सियासी बाजी भले ही हार गई, लेकिन बीजेपी को जीतने में लोहे के चने चबाने पड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि गुजरात चुनाव से दूर प्रशांत किशोर आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? दरअसल प्रशांत किशोर दक्षिण भारत में अपने सियासी हुनर को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आजकल YSR कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। कुछ समय पहले YSR अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता YS जगमोहन रेड्डी ने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की थी जिसमें प्रशांत किशोर मौजूद थे। YS जगनमोहन रेड्डी इन दोनों आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं, इसे प्रशांत किशोर की दिमाग की उपज मानी जा रही है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि 2014 में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रशांत किशोर के भीतर अहम आ गया था। उन्हें लगने लगा था कि वो अपनी रणनीति से किसी को भी चुनाव जिताकर फिर हरा सकते हैं। इसी सोच के साथ वो बीजेपी से अलग हो गए थे। 2015 में जब बिहार में
विधानसभा चुनाव हुए तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए और बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार की। उस वक्त राहुल गांधी के सिर पर भी प्रशांत किशोर का नाम का भूत सवार था। इसी साल के शुरुआत में हुए चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए जब पंजाब और उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के आगे उनकी नहीं चल पाई। हालांकि प्रशांत किशोर ने पंजाब में टिकटों के बंटवारे में भी दखल देने की कोशिश की थी, जो बाद में कैप्टन को नागवार गुजरी थी। उत्तर प्रदेश में भी कई नेताओं से उनकी खटपट रहती थी। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन के सूत्रधार भी प्रशांत ही बने थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब में सिर्फ प्रशांत ही रणनीति नहीं चली, बल्कि दूसरे नेता भी अपनी रणनीति के मुताबिक काम करते थे। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को जीत दिला दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की उसकी हालत इतनी खराब हुई कि दहाई का आंकड़ा छूने में भी राहुल गांधी की तस्वीरें छूट गई। पंजाब की जीत का श्रेय कैप्टन अमरिंदर के पास चला गया, जबकि यूपी में हार का ठीकरा पार्टी के भीतर प्रशांत किशोर पर फोड़ा गया। देखते ही देखते भारतीय राजनीति के चुनाव प्रचार की मार्केटिंग का ये ब्रांड धराशायी हो गया। आज हालत ये है कि किसी भी दल से प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं जताया, उनके नाम की चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बहुत तेज चलने के चक्कर में प्रशांत चारों खाने चित हो गए हैं, या फिर राहुल गांधी की नाकामी की वजह से उन्हें अपनी दुकानदारी में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस वक्त प्रशांत किशोर साउथ इंडिया की राजनीति पर अपने दाव आजमा रहे हैं। वो इस वक्त जगमोहन रेड्डी के साथ जुड़े हुए हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।